एक मिनट दीजिए. ओके, सो मैथ्स फॉर गेट टुडे इज अ फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास. सो क्या क्या यहाँ पे सब टॉपिक कवर होंगे? सबसे पहले आपके लीनियर एलजेब्रा. लीनियर एलजेब्रा लीनियर एलजेब्रा दैट मीन्स इसमें मैट्रिक्स, मेनली मैट्रिक्स, इसमें आपका रैंक निकालना आता है. ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लीनियर इक्वेशंस है वो उसका सॉल्यूशन करना है. ये जो जो गेट में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग, तो मेन फोकस मेरा रहेगा गेट के ऊपर. गेट के क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट में भी मिलेगा और उसके बाद वो आपको सॉल्व भी आपको करना है ना, और मैं भी करवाऊंगा. ठीक, तो ये हो गया लीनियर एलजेब्रा. फर्स्ट टॉपिक आपका मैट्रिक्स होगा, रैंक होगा, सॉल्यूशन होगा. देन इसके बाद आपको सेकंड टॉपिक, सेकंड जो आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में अपना जो भी अपना आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जैसे बेस थ्योरम हो गया है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल. बेस थ्योरम से ही आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे एप्टीट्यूड में भी काम आता है. एप्टीट्यूड में प्लस आपके जो गेट के एग्जाम है उसमें भी आता है, मतलब मैथ्स के पार्ट में भी ये रहता है. तो ये दो पार्ट हो गया. देन थर्ड आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस, आप कैलकुलस में पहुँच जाते हैं हम लोग. डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड उसके बाद फिर कैलकुलस. कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड कर्व फिटिंग वाला जो पार्ट आता है ये होगा कवर. एंड लास्ट टॉपिक 5 आपका है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. और इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं 6 में, आपके पास न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एनालिसिस प्लस इसमें आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, जितने तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, और ये सब आपको करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लीनियर एलजेब्रा से. तो लीनियर एलजेब्रा क्या होता है, इसका यूज क्या होता है लीनियर एलजेब्रा का? टू फाइंड, इट इज यूज फॉर टू फाइंड, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड अदर एप्लीकेशन क्या है? बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि मैट्रिक्स के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, इमेज प्रोसेसिंग में यूज होते हैं मैट्रिक्स. कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होते हैं. तो ये इस तरह से इसके एप्लीकेशन हैं. तो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, ये इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं. और एक फॉर्म होता है आपका ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको क्या बोलोगे आप, नॉन होमोजेनियस. नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो ये ए एक्स प्लस बी, और इसको आप लिख सकते हो ऐसा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एक वेरिएबल है, हो सकता है ज्यादा भी वेरिएबल हो सकता है, ए वन एक्स,
बी वन वाई इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, तो ये लीनियर इक्वेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये इसी के बारे में बात करना है आपको, पूरे पूरे ऑल ओवर द टाइम इसी के बारे में बात करना है, लीनियर इक्वेशन और इसके सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करना है, मतलब सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसके सॉल्यूशंस, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना है। सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह से हो सकता है, जैसे कि होमोजेनियस की बात करें तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, सी वन की जगह पे आप जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई एक इंटीजर वैल्यूज होंगे यहाँ पे, है ना। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, तो ये इसके सॉल्यूशन अगर निकालना है, इसको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशंस मेथड, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो, जिससे इसका एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा, है ना। मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा यहाँ पे, ए वन मैट्रिक्स के बारे में मैं थोड़ी देर बाद और बात करूँगा, बस ये देख लीजिए मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म पे, इस तरह से लिख सकते हैं सी वन सी टू, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होगा ये, है ना। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये इसी को सॉल्व करना है हम लोग को, फर्दर इसमें ही हम लोग को आगे जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मैं आगे पेज ले लेता हूँ। मैट्रिक्स, अब डायरेक्टली मैट्रिक्स पे ही आ जाते हैं क्योंकि यही पढ़ना है हमको, मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स जो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ए ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वन वन, ये ए मैट्रिक्स का सिंबल रहता है ऐसा, ए वन वन, इस तरफ को बोलते हैं हम रो, इस तरफ जो आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं रो, और नीचे की तरफ जो बढ़ता है इधर, इसको बोलते हैं हम कॉलम, इसको बोला जाएगा रो, एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम, ए वन वन ए वन टू, ऐसे 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 ऐसे, ये जैसे कि सपोज करो एन रो हैं, रो कितने हैं मेरे पास, एन रो हैं, कॉलम कितने हैं, एम कॉलम है, ए वन एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू वन, ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते ये ए टू एन तक चला जाएगा, है ना। तो ये ऐसे एक्सपांड कर देंगे फर्दर मोर, ये क्या हो जाएगा आपका पास, क्योंकि एम कॉलम है एम वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, इस तरह से ऐसे एक्सपांड होते जाएंगे, ए एम एन, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर रियल एग्जांपल की बात करें तो ये ए एक मैट्रिक्स है, तो ये रियल एग्जांपल क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, ये रियल एग्जांपल हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे हम, कितनी क्रॉस कितने का है, रो कितने हैं इसमें, रो कितने हैं, रो रो कितने हैं, फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो, रो कितने हैं, रो दो हैं, रो कितने हैं, दो, और कॉलम कितने हैं, एक दो तीन, तीन कॉलम है, तो रो मल्टीप्लाई विद कॉलम, इसको ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर इसको मैं मेंशन करूँ, तो यहाँ पे रो कितने थे मेरे पास, एन थे, कॉलम
कॉलम कितने थे, एम थे। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, रो कितना है, टू, एंड कॉलम कितने हैं यहाँ पे, थ्री। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इज, यहाँ तक तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब पुराना ही है, मतलब ट्वेल्थ ट्वेल्थ लेवल में इतना पढ़ते ही हम। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों का जो नंबर है वो इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं हम, रो और कॉलम जिसमें इक्वल हो, रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज करो थ्री रो है तो कॉलम भी कितने होने चाहिए, थ्री होने चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एग्जांपल क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर नंबर हो सकता है, कोई सा भी, ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही लें, माइनस प्लस इवन जीरो भी इंक्लूड ले सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, कोई भी नंबर, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है नंबर, है ना। अगर यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो मतलब कि ए प्लस बी आई के फॉर्म पे हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इसमें एक रियल पार्ट भी हो और एक इमेजिनरी पार्ट, दोनों का जो एडिशन होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री की स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई हुई है यहाँ पे मैंने, थ्री क्रॉस थ्री, ऑर्डर क्या होगा इसका, थ्री क्रॉस थ्री। नेक्स्ट टाइप क्या है आपके पास, नेक्स्ट टाइप है आपके पास वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एक और चीज बात कर लेते हैं हम लोग, थ्री क्रॉस थ्री का जो मैट्रिक्स बना है उसमें ये वाली जो लाइन है, ये वाली दूसरी कलर यूज कर लेता हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो नंबर्स हैं इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मैट्रिक्स इज वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, तो वर्टिकल मैट्रिक्स में ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, रो इज ग्रेटर देन कॉलम, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन कॉलम, है ना, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन कॉलम। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज वर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन कॉलम। तो इसका एग्जांपल जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, रो रो दैट मीन्स सपोज करो रो रो टू है और कॉलम वन है, तो क्या ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, यस
रो थ्री है, कॉलम टू है, तो क्या ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगा? यस, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, रो दो है मतलब एक रो इधर एक रो इधर, तो ये क्या हो जाएगा वन, कोई और नंबर ले लेता हूँ, -1 0, कॉलम क्या एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास वर्टिकल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएंगे आपके पास 2 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास रो कितने हैं, 3 है ना, 0 -1 0 1 0, ओ सॉरी कॉलम तो 2 ही है ना, तो ये इस टाइप का कोई होगा 1 2, है ना। कोई भी मैट्रिक्स का रो पूरा आप जीरो नहीं कर सकते या कॉलम पूरा जीरो नहीं कर सकते, रो या कॉलम पूरा जीरो हो जाएगा दैट मीन्स वो उसका मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, जीरो आता है। आगे बात करेंगे ये सब चीज़ों के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे बन लिया है, किसी भी मैट्रिक्स का रो या फिर कॉलम, रो और कॉलम ऑल जीरो नहीं हो सकता, ऑल जीरो अगर होगा तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम लोग, वर्टिकल था अब क्या हो जाएगा आपके पास हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जस्ट क्या होने वाला है आपके पास, अपोजिट होने वाला है, जो आपका वर्टिकल में था वो उसका अपोजिट होगा, दैट मीन्स आपका जो कॉलम होगा नंबर ऑफ कॉलम वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, है ना। तो क्या हो जाएंगे आपके पास, रो 1 है कॉलम 2 है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, या फिर रो आपके पास 2 है कॉलम 3 है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास, वन टू है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 2, ये आपके पास कॉलम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया है ना, ये सब आपके हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं। इसको आप रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, इसको इसको जैसे कि आप रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि केवल एक ही रो है तो इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली यहाँ पे आप कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते थे इसको, इसको क्या बोल सकते थे हम, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते थे, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते थे इसको, ठीक। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है आपके फोर्थ, यूनिट मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि केवल प्रिंसिपल डायगोनल पे आपके ऑल एलिमेंट्स होते हैं, और वो सारे एलिमेंट्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल की मैं बात कर चुका हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल आपका क्या होता है, सपोज करो आपके पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 3 के लिए अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स को एक और चीज़ बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यूनिट मैट्रिक्स आपके पास है इस तरह से होगा, 3 क्रॉस 3 का यूनिट मैट्रिक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 के एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 क्रॉस 3 के 1 0 0, और प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल जो एक्सिस होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल जो होना चाहिए उसमें क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, 1, तो इट इज़ कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है ना। और वही अगर मैं आपका 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर का बनाऊँ तो क्या होगा, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा 1 1 2 क्रॉस 2, ठीक है, ये आपके यूनिट मैट्रिक्स हो गया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं,
जैसे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट मैट्रिक्स की बात करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे कि वन वन होता है ना, न्यूमेरिक वैल्यू वन, उसी की जो उसका जो प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, वन ही आएगा, सॉरी एक्स ही आएगा। किसके साथ भी आप इस वन का स्क्वायर करो क्या आएगा, वन ही आएगा। वन का इन्वर्स करो क्या आएगा, वन ही आएगा, है ना। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जैसे कि इरेज कर देता हूँ इसको। जैसे कि यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, ए के साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ही होगी, है ना। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई आई इज ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, वन या फिर टू। सपोज करो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑब्वियसली आपको ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मतलब कि मैच करना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर ये ए 3x2 ऑर्डर का है, तो आई को क्या होना चाहिए आपके पास, आई को क्या होना चाहिए, 2x जो भी 2x2 का ही होना चाहिए, तो वो हो जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो ए आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आई की पावर जितनी भी करोगे, आई की पावर एन करोगे, तो आई ही आंसर आएगा। सी आई का मॉड लोगे तो भी क्या आएगा आपके पास, वन ही आंसर आएगा। ई आई का इनवर्स लोगे तो भी क्या आंसर आएगा, आई ही आएगा। और रैंक अगर निकालते हैं इसका, रैंक निकालते हैं आई का, रैंक निकालते हैं आई का, तो क्या आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक निकालते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कि एन के बराबर है, क्योंकि आई क्या होना चाहिए, आई का ऑर्डर में अगर मैं एन क्रॉस एन रखा हूँ, मतलब सिमिलर स्क्वायर मैट्रिक्स है आई, तो उसका क्या होना चाहिए, रैंक क्या होना चाहिए, एन एन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी नेक्स्ट क्या है, टाइप्स, नेक्स्ट टाइप्स क्या होगा यहाँ पे, कौन सा नंबर है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ फिफ्थ इज, आगे पेज ले लेते हैं, फिफ्थ इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो के इक्वल होने चाहिए, जो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या किसके बराबर होने चाहिए, जीरो के बराबर होने चाहिए। नल मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि कोई इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर थ्री का मैट्रिक्स है, ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जीरो 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 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी भी नहीं है ना, कई बार क्या होता है जैसे कि यहाँ पे एक ले लिया आपने जीरो जीरो, ये स्क्वायर नहीं है बट ये नल है, नल मैट्रिक्स है ना, इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2x1 हो जाएगा। और अगर आपने लिया जैसे कि जीरो जीरो, है ना, रो मैट्रिक्स, इसको भी नल आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं, आप 2x2 का भी कर सकते हो, है ना, ऑर्डर 2 अगर लेंगे तो इस तरह से नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स है, और आगे देखते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 6 प्रॉपर्टी, 6 होगा। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ नल मैट्रिक्स देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नल, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, प्रॉपर्टीज जो जीरो के प्रॉपर्टीज होते हैं वही सेम यहाँ पे प्रॉपर्टीज होंगे, बट रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, दिस इज रो इज रैंक, रैंक क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आगे, बट ये अब ध्यान रख लो।
रैंक कैसे निकालते हैं ये सब बताएंगे आपको। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। किसी भी ए एक मैट्रिक्स है और सेम, एक मिनट, ए मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स के साथ अगर एडिशन करके माइनस अगर मैट्रिक्स ले लें और इसके साथ ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस ए, और आंसर क्या आएगा आपके पास, नल मैट्रिक्स। ए को नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, ए ही आएगा। तो ये सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट्स ओनली इन, प्रिंसिपल डायगोनल, एलिमेंट कहाँ पे होगा, केवल केवल प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो एलिमेंट कहाँ कहाँ पे होंगे इसमें, थ्री क्रॉस थ्री का अगर मैं ले लेता हूँ, थ्री क्रॉस थ्री की डायगोनल मैट्रिक्स है ए वन वन वन, ओ ठीक है, इसको वन 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 ले लिए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है प्लस इस इट्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ, इस एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे वन 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 नहीं लेके कुछ और ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वन टू वन ले लिया, तो इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरह से डायगोनल वन टू वन जो एलिमेंट्स हैं उसके उसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जितने भी एलिमेंट होंगे यहाँ पे, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स, थ्री एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वन टू वन एलिमेंट्स लिखेंगे, दैट इज रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल एक्स वाई जेड प्लस डायगोनल पी क्यू आर, क्या होगा ये, इसका इक्वल क्या होगा, क्या कौन सी मैट्रिक्स आएगी, डायगोनल एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू जेड प्लस आर, ये हो गई इसकी डायगोनल एलिमेंट्स। सेकेंड, सेकेंड क्या प्रॉपर्टी होगी, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो डायगोनल एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई विथ डायगोनल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये डायगोनल एक्स पी वाई क्यू एंड जेड आर, ये होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, प्रॉपर्टी थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी सी, सी ले लेते हैं, इनवर्स ऑफ डायगोनल, इनवर्स अगर निकालें इसका, इनवर्स तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डायगोनल वन बाई एक्स, वन बाई वाई एंड वन बाई जेड,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा अगर इसका ट्रांसपोज निकाले? ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज क्या होता है? एक्स वाई जेड, ट्रांसपोज सेम आएगा, सेम आएगा। ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है आपके पास, जैसे कि रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज हो जाते हैं मतलब कि जो रो है वो कॉलम बदल जाता है, वो कॉलम जो है रो में बदल जाता है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पे, ए 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है मेरे पास और मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो रो में एलिमेंट है 1 2, वो क्या क्या हो जाएंगे? कॉलम में आ जाएंगे, है ना। ये यहाँ पे जो रो है तो वो क्या हो जाएगा? 3 4, और कॉलम में जो जो है वो रो में चला जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसका इसका क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स का ऑलवेज जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होता है? सेम ही होगा, एक्स वाई जेड एलिमेंट ही रहेंगे उसमें, चेंज तो होने वाला नहीं है। अगर इसमें हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में अगर एक्स वाई जेड पावर लगा दिया तो क्या होना चाहिए? डायगोनल जेड की पावर है, ठीक है, ये आना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम के पास कौन सा प्रॉपर्टी है, टाइप्स है, सिक्स हो गया, सेवेंथ सेवेंथ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से सेवेंथ सेवेंथ क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्केलर क्या होता है? मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट होगा उसमें सेम एलिमेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होना चाहिए? एक ही नंबर होना चाहिए, सेम एलिमेंट, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नंबर या फिर कॉन्स्टेंट एलिमेंट, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो एलिमेंट, क्योंकि इसलिए कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, इवन आपका एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कुछ भी। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल स्केलर मैट्रिक्स का, जीरो, और इसी में ही प्रिंसिपल डायगोनल में ही आपके एलिमेंट होने चाहिए। सॉरी, जीरो कहाँ से आ गया, है ना, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं आप? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सिर्फ 3x3, है ना। तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। जैसे कि रैंक ऑफ स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? रैंक ऑफ स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? 3, ए क्या होगा? के आई के इक्वल होगा, के क्या है आपके पास यहाँ पे इस केस में? के इज इक्वल टू 3 एलिमेंट, 3 दिया हुआ है ना आपको, 3 दिया हुआ है, ये एलिमेंट 3 है, तीनों एलिमेंट 3 3 3 लिखे हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, 3 मिनट बचा हुआ है बस, ओके बस 3 मिनट क्लास है, यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी, यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, है ना, आपको टेलीग्राम में एक गूगल फॉर्म आएगा, आप अटेंडेंस उसमें फिल कर दीजिएगा, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अटेंडेंस होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, अटेंडेंस होना चाहिए। अभी कितना बजा है आपके पास? 11:30 है ना, 11:30, और नेक्स्ट क्लास हम आज ही लेंगे, नेक्स्ट क्लास इसकी रखते हैं 11:30, ओके ओके सर, ठीक है रजनी, आप भर दीजिएगा,
नेक्स्ट क्लास आज लेंगे, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है, कब होगा। ओके, आगे पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक ही हो या फिर दो, जितने भी हो पढ़ते जाएंगे। ठीक, थैंक यू।